नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में भारत। उड़ी आर्मी बेस पर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने निवास पर कैबिनेट की बैठक लेने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में पाकिस्तान से आर्थिक संबंध और कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने पर चर्चा हुई। भारत सरकार पाकिस्तान को तीन मोर्चों पर जवाब देगी। पहला ये कि उड़ी हमले में आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तानी सबूतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया जाए। दूसरा ये कि आतंकवादियों के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन शुरू किया जाए। और तीसरा ये कि पाकिस्तान से सभी तरह के आर्थिक संबंध तोड़ दिए जाएं। दूसरी ओर भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने यहां एक वक्तव्य में कहा कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा और शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी घुसपैठ से उत्पन्न स्थितियों से निपटने में काफी संयम बरती है, लेकिन वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि सेना इस तरह के हमलों और हिंसा का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने चेतावनी दी कि सेना सही मौके और उचित जगह पर दुश्मन की हरकतों के जवाब में कार्रवाई करेगी। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज। भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 120B और 409 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। उन पर डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप है। अधिकारियों ने स्वाति को 27 सवालों की एक प्रश्नावली भी सौंपी और उन्हें एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा। आयोग की पूर्व प्रमुख बरखा शुक्ला सिंह की एक शिकायत पर एसीबी ने जांच शुरू की है। अपनी शिकायत में बरखा सिंह ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कई समर्थकों को डीसीडब्ल्यू में पद दिया गया है। बरखा सिंह ने अपनी शिकायत में 85 लोगों का नाम दिया है। उन्होंने दावा किया कि इन्हें बिना अपेक्षित योग्यता के नौकरियां दी गई। भारत से शरण मांगेंगे बलोच नेता ब्रह्मदास बुगती। बलोच नेता ब्रह्मदास बुगती ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा कि वो भारत में शरण पाने के लिए दस्तावेज दायर करेंगे। बुगती का ये बयान ऐसे समय आया है जब उड़ी में आतंकवादी हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में जुटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया है और इसके लिए वो भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मदद मांगेगी। बलोच नेता ने कहा कि बीआरपी पाकिस्तान सेना के जनरलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएगी। ब्रह्मदास बुगती बलोच नेता नवाब अकबर खान बुगती के पोते हैं। 10 साल पहले पाकिस्तानी सेना ने अकबर खान की हत्या कर दी थी। मीडिया कर्मियों से बातचीत में ब्रह्मदास ने कहा कि हमने औपचारिक रूप से भारत सरकार से शरण मांगने के लिए दस्तावेज दायर करने के बारे में फैसला लिया है। ब्रह्मदास इस समय में स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं।